हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो परेशान हो जाती है जब उनका बच्चा हलचल नहीं करता है। बहुत बार ऐसा होता है प्रेगनेंसी के टाइम में कि बच्चा हलचल नहीं करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा एक दिन बहुत ज़्यादा हलचल करता है, दो दिन तक बच्चा एकदम सुस्त हो जाता है, हलचल करता ही नहीं है। जहाँ पे क्या होता है, जो मदर्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ बच्चे की हलचल जो होती है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है कि बच्चा हमारा स्वस्थ है या फिर नहीं है। तो इसीलिए बच्चे की हलचल पर ज़रूर से आपको निगरानी रखनी है, नज़र रखनी है। बच्चे की हलचल अगर आपको नहीं हो रही है तो आप कुछ चीज़ों को फॉलो के बच्चे की हलचल को नोटिस कर सकती हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप ज़रूर से फॉलो करें। और अगर आपके बच्चे ने अभी तक हलचल नहीं की है, इन सारी चीज़ों को करने के बाद भी अगर बच्चा हलचल नहीं कर रहा है तो आपको तुरंत जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो में एंड तक बने रहिए, वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करती बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बोलते हैं कि अगर आपका बच्चा हलचल नहीं कर रहा है तो आपको ठंडा पानी पीना चाहिए। आप ठंडा पानी पीजिए, चिल्ड पानी होता है वो पीजिए, और एक शांति वाली जगह में जाके बैठ जाइए, बच्चा ज़रूर से हलचल करेगा। इसके अलावा ऐसा भी बोला जाता है कि जो भी प्रेगनेंसी में आपको पसंद आ रहा है खाने में, आप उस चीज़ को खाइए। अगर बच्चे ने बहुत देर से हलचल नहीं की है तो आप कुछ मीठा खा सकती हैं, कुछ खट्टा खा सकती हैं, जो भी आपको पसंद आता है प्रेगनेंसी में वो ज़रूर से खाइए। उसके बाद आपका बच्चा ज़रूर से हलचल करेगा। इसके अलावा क्या करना है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरे दिन हलचल नहीं करते हैं लेकिन रात में हलचल करते हैं, तो आप उस चीज़ का भी वेट कर सकती हैं। इसके अलावा क्या होता है कि अगर आप कुछ खा या कुछ पी के एक शांत रूम में जाके लेट जाती हैं और फिर उसके बाद आप थोड़ी देर में नोटिस करेंगे कि आपके बच्चा हलचल कर रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम दिन भर काम में बिजी रहते हैं तो हम बच्चे की हलचल जो है वो नोटिस नहीं कर पाते और हमें लगता है कि बच्चे ने हलचल नहीं किया है, तो इस वजह से बहुत बार ऐसा हो जाता है। तो आप एक शांत कमरे में जाके लेट जाइए, फिर आप बच्चे की हलचल को नोटिस कर सकती हैं। इसके अलावा आप कुछ फ्रूट्स का जूसेस भी ले सकती हैं। ऐसा बोला जाता है कि अगर आप फ्रूट का जूसेस पीती हैं तो भी बच्चा हलचल करता है। इसके अलावा आप अपने पेट को सहलाइए, एक शांत रूम में जाके लाइट को ऑफ कर लीजिए, हल्का म्यूजिक चलाइए, पेट को सहलाइए, बच्चे से बात करने की कोशिश करिए, बच्चे से कनेक्ट करिए, तो बच्चा ज़रूर हलचल करता है। इसके अलावा बच्चे से आपको ज़रूर से बात करनी चाहिए कुछ टाइम निकाल के, जब आपको शांति वाला टाइम मिले जिसमें आप रिलैक्स हो, उस टाइम में बच्चे से बात ज़रूर करें। बच्चा आपसे कनेक्ट करता है तो बच्चा हलचल भी करता है। तो ये सारी चीज़ें करके आप बच्चे का हलचल या फिर उसकी मूवमेंट फील कर सकती हैं। अगर ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं, बच्चा हलचल नहीं कर रहा है, तो आपको ज़रूर से जाके डॉक्टर से बात करनी चाहिए। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब। ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।